दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं डाइवर्जेंस के बारे में। डाइवर्जेंस एक ऐसा प्रकार का कॉन्सेप्ट होता है जहां पर कि हम एक प्रकार से मोमेंटम इंडिकेटर को लेके प्राइस की स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जहां पर कि इंडिकेटर जो है कुछ डिफरेंट शो करने की कोशिश करता है और प्राइस वहां पर कुछ डिफरेंट बात बताने की कोशिश करता है, और ये दोनों के बीच में जो है मेल मिलाव नहीं हो पाता है, यानी कि दोनों के बीच में सिमिलैरिटी नहीं दिखती है, जिसके कारण कि आगे चल के प्राइस जो है या तो करेक्ट हो जाता है, या तो वो गिर जाता है, या तो वो बढ़ना चालू हो जाता है। तो यहाँ पर से डाइवर्जेंस जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है बेयरिश डाइवर्जेंस और दूसरा होता है बुलिश डाइवर्जेंस। बेयरिश डाइवर्जेंस जब भी कभी बनता है किसी भी चार्ट में, तो वहां पर चार्ट का जो है टॉप हो जाता है और वहां पर से प्राइस जो है गिरना चालू हो जाता है, और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पर हम आज जो है बेयरिश डाइवर्जेंस के बारे में बात करने वाले हैं और इसे जो है प्रॉपर प्रैक्टिकली अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर हम मोमेंटम इंडिकेटर लेने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर कि हम जो है RSI इंडिकेटर का उपयोग करेंगे और यहाँ पर आपको बेयरिश डाइवर्जेंस दिखाएंगे। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं अडानी एंटरप्राइजेस का। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने RSI पहले से ही अप्लाई कर दिया है और यहाँ पर वॉल्यूम तो हर चार्ट में रहता ही है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला बढ़िया डाइवर्जेंस जो है 8 सितंबर 2022 के आसपास दिखा, और इस डाइवर्जेंस को कुछ इस तरीके से देखा जाता है। यहाँ पर एक टॉप बना, फिर यहाँ पर एक पॉइंट बना, तो ये दो पॉइंट को अगर आप एक साथ कनेक्ट कर ले और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दे कुछ इस तरीके से, फिर सेम उसी तरीके से आपको इंडिकेटर में भी ड्रॉ करना है आपको ट्रेंड लाइन, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं। तो यहां पर हम दोनों टॉप को जो है प्लॉट करने की कोशिश किए हैं ट्रेडिंग व्यू के ट्रेंड लाइन को उपयोग करते हुए। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर में जो हाई है वो बनाया गया अगस्त 2022 में, 19 सितंबर में। तो यहां पर आप अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर में देख सकते हैं कि यहां पर जो है दो टॉप को हमने कनेक्ट कर दिया और दो RSI के टॉप को कनेक्ट कर दिया। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर जो टॉप बना वहां पर प्राइस जो है हायर हाई बनाया है, लेकिन सेम उसी की जगह जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर जो मोमेंटम इंडिकेटर है RSI, यहां पर जो लास्ट टॉप बना वहां पर स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन उसी जगह अगर प्राइस देखें तो प्राइस ने हायर हाई बनाया, यानी कि इसको आर्टिफिशियली या बहुत कम वॉल्यूम के साथ ऊपर लेके जाया गया, जिसके कारण कि ये चीजें जो है सस्टेन नहीं हो पाई और इसके कारण प्राइस जो है शार्प गिरावट देखा गया। तो ये एक प्रकार से एग्जांपल है बेयरिश डाइवर्जेंस का। तो यहां पर फिर से आप देख सकते हैं अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर में जो है बेयरिश डाइवर्जेंस बना। यहां पर भी हम ट्रेंड लाइन को पहले जो है प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो है दो टॉप को कनेक्ट करने की कोशिश किए प्राइस में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे फर्स्ट टॉप यहाँ पे, सेकंड टॉप यहाँ पे, और सेम यही टॉप को जो है आप RSI इंडिकेटर में भी प्लॉट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे पिछले एग्जांपल की तरह यहाँ पर भी RSI में जो मोमेंटम है वो तो कम दिखा, लेकिन प्राइस ऊपर बना। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं जब भी ये बना उसके बाद प्राइस जो है सीधा शार्प गिरावट आ गया। तो यहां पर भी बेयरिश डाइवर्जेंस जो है सक्सेसफुल काम कर गया। तो यहां पर ये एग्जांपल था बेयरिश डाइवर्जेंस का। चलिए एक आध और एग्जांपल लेके कोशिश कर लेते हैं हम। तो यहां पर हम तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं निफ्टी 50 के चार्ट में, जब यहां पर ऑल टाइम हाई जो है बना था 2021 अक्टूबर में, उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर भी हम जो है टॉप को पहले प्लॉट कर लेते हैं ट्रेंड लाइन में कुछ इस तरीके से, यहां पर इसे हाईलाइट कर देते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर भी डाइवर्जेंस बना, यहां पर शॉर्ट नहीं, थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस का अगर डाइवर्जेंस हो तो उसका प्रभाव यानी कि उसका इफेक्ट जो है बढ़ जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर डाइवर्जेंस बना, प्राइस जो है तेजी बनाना चालू किया, लेकिन उसका जो मोमेंटम है वो कम हो गया। तो उसके बाद जो गिरावट आई उसके बाद देख सकते हैं कि गिरावट कितने समय तक जारी थी,
और गिरावट जो है बहुत तेज किया है, तो इसके कारण डाइवर्जेंस जो है यहाँ पर भी बेयरिश डाइवर्जेंस अपना एक्शन दिखाना चालू कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जब जब किसी भी चार्ट में बेयरिश डाइवर्जेंस बनता है तो प्राइस जो है गिरना चालू हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल दबंग एनालिस्ट को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।